हे एवरीवन, नमस्ते टू ऑल। आज हम विंटर के हैवी फ्लावरिंग करने वाले प्लांट क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है जिससे कि हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो। कटिंग का सिलेक्शन करके कटिंग कितनी बड़ी लेनी है, कितने नंबर्स ऑफ कटिंग लगाने हैं, ग्रोइंग मीडिया कैसा होना चाहिए और कटिंग में लगने वाले सामान, ये सब हम जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आपको बताते जाएंगे। और देखिए, ऐसे ही रिजल्ट आप सक्सेस आपको मिलेंगे अगर आप इनकी कटिंग लगाते हैं। तो ये मेरे पास पिछले साल का विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है जिसको मैंने बरसात और गर्मी से बचा करके रखा है और इसकी कटिंग ही मैं आगे ग्रो करूंगी। तो सबसे पहले इसकी ग्रोइंग मीडिया, जो कि हमको सबसे जरूरी होती है, इसको रिवर सैंड या बजड़ी में भी उगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 50% गार्डन सॉयल और 50% सैंड को मिला करके इसका मिक्सचर तैयार किया है। साथ में मैंने फंजीसाइड भी डाला है क्योंकि बरसात में फंगस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसको ज़रूर डालें। तो मैं ये पिछले साल के प्लांट्स का जो पॉट है उसको खाली की कर लूँगी जिससे कि हमारे जो पुराने ग्रोइंग मिट्टी है वो भी रिचार्ज हो जाएगी और इसमें मैं थोड़ा सा खाद वगैरह मिला करके नेक्स्ट ईयर के प्लांट के लिए रेडी कर लूँगी। तो इसमें जो पुराने वाले प्लांट हैं, जो सकर्स निकल आए हैं, उसको मैं अलग लगा दूँगी और इनकी कटिंग के लिए मैंने ये पॉट तैयार किया है। देखिए, 3 से 4 इंच की कटिंग हम तैयार कर लेंगे और नीचे के बड़े पत्तों को हम निकाल देंगे। कटिंग के लिए प्लांट के ऊपर के 3 से 4 इंच के पार्ट को हम ले लेंगे और ये हेल्दी होने चाहिए। नीचे के बड़े पत्तों को हम हटा देंगे और अच्छे ब्रांच का सिलेक्शन करेंगे कटिंग के लिए। और कटिंग करने से पहले आप पहले प्रूनर को अपने सैनिटाइज कर लें, जो भी कटर ले रहे हैं। और मैंने यहाँ पे कोई भी रूटिंग हार्मोन का यूज़ नहीं किया है। एलोवेरा हमारे सभी के पास रहता है तो उसी का यूज़ हमने किया है। मिट्टी में जहाँ पे हमें इसको लगाना है वहाँ पे हम किसी ऐसे, मैंने स्टिक लिया है इससे थोड़ा सा होल करके और ये एलोवेरा में डिप करके मैं इसकी सारी कटिंग इस तरह मैं लगा दे रही हूँ। नीचे के पत्तों को इसलिए हटाते हैं ताकि यहाँ से हमारी जो है जड़ें जो है डेवलप करती हैं, इसलिए नीचे के पत्तों को हम हटा देते हैं। और फंगस भी है, मिट्टी के टच में अगर पत्ते आते हैं तो फंगस होने के भी चांस रहते हैं। इस तरह से लगाने के बाद हम प्लांट को अच्छी तरीके से पूरा भर के पानी दे देंगे ताकि नीचे तक की मिट्टी सारी गीली हो जाए। और इसमें पॉट का में चेक कर लेना चाहिए कि आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है या नहीं, क्योंकि बारिश का समय रहता है, पानी अगर इसमें जमा हो गया तो हमारी कटिंग जो है गल भी सकती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पॉट में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह, और हाँ, जब भी आप कटिंग्स लगाएं तो एक दो कटिंग नहीं, ढेर सारी कटिंग लगाएं, कम से कम 8-10-12 कटिंग तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि कुछ कुछ कटिंग जो है डाई बैक होकर के मर जाती है और किसी में रूट अच्छे से नहीं डेवलप होती है। तो नंबर्स ऑफ कटिंग हमेशा ज़्यादा लगाएं। कटिंग को लगाने के बाद अपने पॉट को सेमी शेड एरिया में रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो और मॉइस्चर हमेशा इसमें मेंटेन करके रखें। मिट्टी आपकी सूखी नहीं होनी चाहिए, अगर सूख जाती है मिट्टी तो आपके कटिंग के नहीं लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें हमेशा इसकी मिट्टी में नमी बना करके रखें, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें। और इनको लगाने में मैंने कोई भी रूटिंग हार्मोन का यूज़ नहीं किया है। आपके सामने मैं दिखाऊंगी कि मेरी कटिंग में ग्रोथ कैसी हुई। तो मैं सिंपल और कम चीज़ों के साथ गार्डनिंग करती हूँ, मैंने कोई रूटिंग हार्मोन नहीं यूज किया है। मेरे पास एलोवेरा का प्लांट हमेशा रहता है, उसी का यूज मैं करती हूँ। तो देखिए, ये 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं, अब मेरी कटिंग ये जो लग चुकी है। और ये देखिए, प्लांट भी आपके पत्तियां भी मैक्सिमा आ चुकी हैं। तो यहाँ मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको कि इसमें कैसा, जड़ें कितनी डेवलप हुई हैं। तो निकाल रही हूँ, मतलब इसका देखिए निकल नहीं रही है। और ये देखिए, ऊपर का टूट गया, नीचे का नहीं निकला, नीचे का पोर्शन मिट्टी में ही दबा रह गया। मतलब इसमें जो है रूट जो है अच्छे से बनी है, डीप चली गई है। तो ये देखिए, इस तरह से इसमें जड़ें जो बनी हैं
देखिए काफ़ी नीचे तक चली गई थी, जिससे कि खाली हाथ से निकालने से निकली नहीं, ऊपर का पोर्शन जो टूट गया। तो दूसरी मैं निकाल के दिखा रही हूँ, और ये देखिए इसकी ये रूट्स कितनी अच्छी बनी है, और इसके जड़ें जो हैं ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती, ऐसे ऊपर ऊपर से फैली रहती हैं। वैसे तो इसको ग्रो करने का सीजन बरसात स्टार्ट होने पर ही है, और लेकिन अभी भी आप सितंबर में इसको फटाफट से लगा दीजिए इसकी कटिंग, और दिसंबर जनवरी तक आपको इसकी अच्छी हैवी फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो कहीं से भी आसपास पड़ोस से इसकी कटिंग ले आइए और ग्रो करिए। जानकारी और वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए। तो मिलते हैं यहीं इसी चैनल पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।